आ जाओ। ओके सर, सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए जिसका काफ़ी यूनिक सा एक नाम है अलोफ्ट स्टार, और अब तो फिनाले भी आने वाला है सर। जी, प्रोजेक्ट अलोफ्ट स्टार बहुत ही कमाल का कंपटीशन है जहाँ पे सिंगर्स अपनी टैलेंट को हमारे सामने पेश करेंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे। जो विनर होगा वो जाएगा साउथ कोरिया, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये बहुत ही यूनिक कॉम्पिटिशन है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एक सिंगिंग शो, लेकिन जो विनर होगा उसको हम यूनिवर्सल म्यूज़िक के द्वारा हम उनको एक रिकॉर्ड लेबल, एक रिकॉर्ड डील भी देंगे और उनके उनके लिए एक एल्बम बनेगा और उनका एक बहुत अच्छा शानदार म्यूज़िक वीडियो भी बनेगा। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सिंगर्स। ओके सर, अगर आपकी अगर बात करें तो आप बहुत कम प्रोजेक्ट से इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की क्या वजह थी सर? मैं हमेशा यूनिवर्सल म्यूज़िक के साथ में मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनके साथ में जब मैं जुड़ जाता हूँ तो हम कुछ हमेशा हमने देखा है। इसके पहले भी एक दो प्रोजेक्ट्स किए हमने जो टैलेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स है, टैलेंट बहुत यूनिक निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो बहुत सही होती है, बहुत ही प्योर होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और जो जो सही टैलेंटेड होता है, जो सचमुच जो हकदार होता है उस अपॉर्चुनिटी का, उसको हम अपॉर्चुनिटी देते। तो मेरा उनके साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन जुड़ा हुआ है। उसके अलावा ऑफ कोर्स यूनिवर्सल म्यूज़िक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो उनके सदस्य हैं लोग, उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि यूनिवर्सल म्यूज़िक बहुत बड़ी लेवल है, इंटरनेशनली तो बहुत बड़ी लेवल है, इंडिया में भी उन्होंने कई कमाल के अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं कुछ सिंगर्स को, नए नए आर्टिस्टों को। तो इसलिए ओके, इसी के साथ में सर किस तरीके से देखते हैं सर आप सारी जर्नी को, जब शुरू हुआ था और जब एंड आने आ गए? तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है और मुझे थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा मैं मिस भी करूँगा इसको, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा यूनिक अपॉर्चुनिटी था लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। और बस मेरी ये तमन्ना है कि हम कैसे भी करके इसको अगर जीत जाए साउथ कोरिया में, तो हमारे देश का नाम रोशन होगा और यू नो हमारे इंडिया से कोई एक प्रोजेक्ट अलोफ्ट स्टार ऐसा एक यूनिक बंदा या बंदी आएगी बाहर और देश में नाम रोशन होगा उसका। ओके सर, आप जैसे आप मेंटर भी थे तो कितना गाइड कर, आपने कितना बताया इसके बारे में? यार जो हनीता जो सिंगर जो सिलेक्टेड है वो बहुत ही कमाल की सिंगर है। मैं इसमें आपको कुछ ज़्यादा गैस नहीं दूँगा। कुछ कुछ सिंगर्स को कुछ ज़रूरतें होती है जिसको मार्गदर्शन की एक यू नो एक उनका एक हम एक ज़रिया बन सके उनके लिए, लेकिन हनीता वाकई में कमाल की सिंगर है, बहुत ही ओरिजिनल है, बहुत ही अच्छी सिंगर है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसको बताई है अभी, और पर वो इतनी तेज़ है कि वो जान जाएगी। वो यू नो गायकी ऐसी चीज़ है जो आदमी गाते गाते सीख जाता है, गायकी सीख जाता है, तो जितना वो ज़्यादा गाएंगी उतना वो ज़्यादा सीखेंगी। कोई अगर कोई ऐसी अगर कोई स्पेशल टिप्स जो आपने उन्हें दी हो, जो उनको समझ नहीं आया हो? यार समझ में नहीं आया ऐसे तो नहीं हुआ है, लेकिन गाने की बहुत सारी टिप्स है और क्वाइट ऑनेस्टली मैं खुद भी अभी यू नो रोज़ कुछ ना कुछ एक नई टिप सीखता हूँ। पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ दो तीन चीज़ें हैं जो कई सिंगर्स नहीं करते हैं, जो हर लाइन गाने के पहले सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक फुल के सांस लेके जब गाते हैं ना तो उसके उसकी सुर और उसके जो आवाज़ की जो एक शक्ति होती है, एक दम होता है आवाज़ में और एक साफ टोन जो निकलता है उसमें बहुत हिम्मत होती है। तो आई थिंक सांस लेना जो हम कई बार भूल जाते हैं गाने के वक्त, गाने के पहले, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा शो के पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारी टिप्स है। ओके सर, लास्टली और क्या कहना चाहेंगे? लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू बहुत कमाल था और आप यहीं पर ख़त्म करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।